Assalamualaikum students, chapter number 5 start करेंगे इंशाल्लाह इस lecture में। Chapter number 5 का नाम जो है वो है groups, और ये जो portion है ये pure mathematics का है, discrete mathematics आप कह लो। इसमें आपको काफी boring लगता है students को, ठीक है, क्योंकि जो pure mathematics है normally student को मुश्किल ही लगती है और मजा नहीं आता, interest नहीं बन रहा होता। ये वो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इग्नोर होता है, फर्स्ट ईयर का सबसे इग्नोर होने वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है, बहुत ज्यादा इग्नोर होता है ये। जैसे सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 का लिमिट वाला पोर्शन है ना, वो काफी इग्नोर होता है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस और उसके अंदर काफी चीजें हैं, मोनोटोनिक वो सब चीजें, इसी तरह ये काफी इग्नोर हो रहा होता है। इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे भी कि ग्रुप्स क्या चीज होती है। ग्रुप बोल बोल के स्टूडेंट थक जाता है, नहीं पता ग्रुप्स होती क्या चीज है। अच्छा, बाकी चीजें भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, एक दो गलतियां हैं बुक में लेकिन उनको हम इग्नोर करके जो बाकी बुक है ना उसी को फॉलो करेंगे थ्योरी के हिसाब से। सबसे पहली चीज जो आपको चैप्टर नंबर 5 में नजर आएगी वो है ऑपरेशंस। याद रखो बच्चों कि अभी मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के और भी ऑपरेटर होते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स की अगर आप बात करो तो आपको दो ऑपरेशन नजर आ रहे होते हैं। एक को आप बोलते हो यूनरी ऑपरेशन, मैं पहले नाम मेंशन कर देता हूं, चैप्टर 5 ग्रुप्स नाम है। अच्छा, तो एक बच्चों होता है यूनरी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स की टाइप्स है ऑपरेटर्स। अच्छा, सवाल ये कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? ऑपरेटर वो होते हैं जो ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है वो एक ऑपरेटर है, किस पे ऑपरेट हो रहा है? मरीज पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन किसका हो रहा है? मरीज का हो रहा है, लेकिन ऑपरेटर बोलोगे आप किसको? डॉक्टर को। इसी तरीके से मैथ के अंदर ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर का मतलब दो मरीज होंगे या एक मरीज भी हो सकता है। मैथ के अंदर या तो एक मरीज होता है या दो मरीज होते हैं। रियल लाइफ में भी ऐसा भी कोई डॉक्टर अगर हो कि एक वक्त में दो पेशेंट को डिस्कस कर रहा हो तो उस वाले ऑपरेटर को आप बोलोगे, उस वाले डॉक्टर को क्या बोलोगे? बाइनरी डॉक्टर या बाइनरी ऑपरेटर आप कह लो। और ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ एक ही पेशेंट को हैंडल कर रहा है उसको आप क्या बोलोगे? यूनरी। तो मैथमेटिक्स भी इसको ले आओ कि ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी एक नंबर पे ऑपरेट हो रहा है उसको मतलब एक ही नंबर चाहिए ऑपरेट होने के लिए, उसकी डिमांड यही है, तो उसको आप बोलते हो यूनरी ऑपरेटर। अब ये कौन से ऑपरेटर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए आपको एक ऑपरेटर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 4 पुट करोगे, ऑपरेटर बेसिकली ये होता है कि एक बाय डिफॉल्ट उसकी डेफिनेशन होती है, आप जैसे उसको कोई इनपुट देते हो ना वो उसको ऑपरेट करता है और आपको आंसर दे देता है, ठीक है। तो जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनकी बाय डेफिनेशन ये है कि भाई इनको एक दे दो आप बस, ये उसको ऑपरेट करेंगे और आपको आउटपुट दे देंगे। तो मैंने एक ही नंबर दिया 4, ये इसको ऑपरेट करेगा और इसका आंसर मुझे क्या दे देगा? 2 दे देगा। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप सेकंड ईयर पे आओ, सेकंड ईयर में डेरिवेटिव के ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन है, लिमिट है। तो फर्स्ट ईयर में आपने मैट्रिक में लॉग पढ़ा होगा, लॉग भी यूनरी ऑपरेटर है सारे, कि इसके लिए आपको एक नंबर चाहिए, जैसे ln 2 आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरे किस्म के ऑपरेटर होते हैं जिनको आप बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, इनके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, इसके लिए वर्ड आप यूज करते हैं ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स जिस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेटर बहुत ही मशहूर है प्लस, अब ये प्लस लिखा हुआ है ये एक ऑपरेटर है, इसकी सेंस उसी वक्त बनेगी जब आप इसको दो इनपुट दोगे, एक इनपुट पर इसकी सेंस नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख दूं 6 प्लस, कोई सेंस है इस बात की? नहीं, एडिशन ऑपरेटर अभी तक सोया हुआ है, जैसे ही उसको आप एक और नंबर दे दोगे फॉर एग्जांपल 7 जाग जाएगा वो, मतलब पहले नेपाल गया हुआ था अब वो जाग गया शाम के वक्त, तो अब वो ऐड कर देगा आपस में, 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 13 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसके लिए आपको दो नंबर चाहिए होते हैं कि ऑपरेट हो जाएगा। अच्छा, अगर तीन नंबर स्टूडेंट का सवाल होता है, तीन नंबर ऐड हो रहे होते हैं, वो तीन नंबर ऐड नहीं होते, एट अ टाइम आप दो ही कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा 1 + 2 + 3, तो उसको ऐड हम इसी तरीके से करते हैं कि पहले 1 + 2 इसको ऐड करते हो, जो आंसर आता है उसको इसमें ऐड करते हो, तो ये ध्यान में रखना। तो एडिशन हो गया, अच्छा सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिविजन हो गया, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर है। और भी कोई अगर आपके जहन में आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मेरे जहन में ही आ रहे होंगे और भी, ठीक है। तो ये बड़े मशहूर आपके पास बाइनरी ऑपरेटर हैं जिनके लिए आपको दो चाहिए होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में तो और भी ऑपरेटर थे, मैं पढ़ रहा था उसमें टेनरी पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, जिसके लिए तीन चाहिए होंगे उस पर भी अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर दो ही टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है ना वो बाइनरी ऑपरेटर का है, यूनरी ऑपरेटर डिस्कस भी नहीं हुए, मैंने वैसे आप लोगों को बता दिए, बाइनरी ऑपरेटर को हमें डिस्कस करना है।
अब देखो सबसे पहली बात, बाइनरी ऑपरेटर, अब अगर आप एज अ डेफिनेशन इसको देखो तो सिंपल ये होता है कि ऐसा ऑपरेटर जो दो नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब अगर ये बहुत ही रॉ डेफिनेशन है, इसकी मॉडिफाइड डेफिनेशन ये होगी कि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट का डिस्कस करो कि यार आपने जो दो नंबर निकाले हैं ना वो किसी सेट से निकाले हैं, और अब आप ये बोलना चाह रहे हो क्या वो बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं, तो जब एक सेट इन्वॉल्व हो जाता है ना तो बाइनरी ऑपरेशन में हम एक और शर्त डाल देते हैं, वो शर्त होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है कि अगर आप किसी भी दो एलिमेंट उठा रहे हो किसी भी सेट से, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, मैंने इनसे कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लिए 2 और 3, अब मैं इनको अगर आपस में ऑपरेट करवा रहा हूं और जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसको आप कहते हो क्लोजर प्रॉपर्टी, कि जिस सेट से आपने दो एलिमेंट उठाए उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी सेट के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल 1 उठाया और 7 उठाया, 1 और 7 को ऐड करोगे क्या आएगा 8, 8 भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसको आप कहते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब भी आपका कोई ऑपरेटर इस तरीके से ऑपरेट हो किसी भी सेट के ऊपर कि जब उसके दो एलिमेंट उठाए जाए वो ऑपरेटर ऑपरेट हो उनके ऊपर और रिजल्ट जो है वो उसी सेट में से हो, तो अब आप उस ऑपरेटर को क्या बोलोगे? बाइनरी ऑपरेटर। तो अगर आप सेट इन्वॉल्व करते हो ना तो सेट के अंदर सिर्फ ये डेफिनेशन काफी नहीं होगी कि दो नंबर पे अप्लाई हो रहा है, नहीं, सेट के अंदर अगर आप किसी को बोलते हो ना कि बाइनरी ऑपरेटर है तो उसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी चल रही होगी, वहां पे सेटिस्फाई हो रही होगी, तब आप बोलोगे, ठीक है। इसी फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेटर है? इसी तरह सवाल आता है क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेटर है नेचुरल नंबर के अंदर? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन, ये जो जुमला है ना, नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, इस जुमले का मतलब क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट उठाओ उनको ऐड करो तो रिजल्ट नेचुरली आ रहा है, तो उसको आप बोलते हो नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर वो क्लोज है, कोई भी दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के ऐड करोगे रिजल्ट नेचुरल नंबर ही आता है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ उनको मल्टीप्लाई करो नेचुरल नंबर ही आएगा, आपने 2 उठाया, आपने 10 उठाया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, 20 भी एक नेचुरल नंबर है, तो आप ये बोलोगे नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो क्लोज के सेंस में आप बोलोगे, बाइनरी ऑपरेटर के सेंस में क्या बोलोगे कि मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन नेचुरल नंबर, इसी तरह एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर ऑन नेचुरल नंबर, लेकिन सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो, फॉर एग्जांपल 1 और 7, जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे 1 - 7 क्या होगा? -6, और -6 को नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर या इन नेचुरल नंबर, ठीक है। और क्लोज की प्रॉपर्टी में कैसे बोलोगे? नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, कि जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज नहीं है सब्ट्रैक्शन में, किसी भी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो रिजल्ट नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, ये याद रखो, जो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना, प्योर मैथमेटिक्स थ्योरम प्रूफ करने, ये मेन पोर्शन होता है थ्योरम प्रूफ करने के लिए, काफी कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे होते हो, तो उसमें जब कोई भी स्टेटमेंट आप प्रूफ करते हो ना, चैप्टर नंबर 8 में भी आपने देखा था जब कोई चीज प्रूफ की जाती है तो उसमें हर एलिमेंट में प्रूफ की जाती है, अगर एक एलिमेंट भी डिसोबे कर रहा है ना तो फिर आप उसको स्टेटमेंट दे नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बच्चा बोलेगा सर नेचुरल नंबर क्लोज तो है सब्ट्रैक्शन के अंडर, क्यों? अगर आप 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करवाओ आंसर 1 आ रहा है, 1 नेचुरल नंबर है, 5 को 2 से सब्ट्रैक्ट करवाओ आंसर 3 आ रहा है, तो नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ एलिमेंट्स भी नहीं आपने देखना होता, आपने हर पूरे सेट को कंसीडर करना होता है। अगर आपने 5 को उठाया, 2 को उठाया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या 2 को पहले उठाओ और 5 को उठाओ तब भी नेचुरल नंबर आ रहा है? नहीं, तो ये मसला हो जाता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पूरे सेट के अंदर एक एक एलिमेंट ऑबे करना चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी वाकई सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, आप किसी भी दो नंबर को नेचुरल नंबर को उठाओ डिवाइड करो आंसर नेचुरल नंबर तो नहीं आता। अब अगेन वही कुछ केसेस में आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 उठाया, आपने 2 उठाया, 10 डिवाइड बाय 2 5 होता है, 5 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन आपने हर सिचुएशन में देखना है कि अगर आप 2 को उठाओ 10 को उठाओ 2 डिवाइड बाय 10 1/5 होता है, 1/5 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप दो तरीके से इस बात को बोलोगे, आप सबसे पहले बोलोगे कि जो डिवीजन है इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर इन नेचुरल नंबर, ठीक है, और क्लोज के सेंस में क्या बोलोगे कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो बच्चों नेचुरल नंबर को कंसीडर करके ना मैंने एक बाइनरी ऑपरेटर समझा दिया आपको, और बाइनरी ऑपरेटर के साथ साथ क्लोजर प्रॉपर्टी भी सिखा दी है। आप ये समझ लो कि जो ऑपरेटर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको आप बाइनरी ऑपरेटर कह रहे होते हो, और जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं होता उस सेट के हिसाब से। वैसे तो बाइनरी ऑपरेटर आप कहोगे कि यार 2 चाहिए इसको, वैसे तो वो रहेगा, मैंने तभी बोला था कि बाइनरी ऑपरेटर की बेसिक डेफिनेशन बताइए कि 2 एलिमेंट चाहिए, लेकिन जब आप सेट इन्वॉल्व करते हो ना फिर डेफिनेशन थोड़ी मॉडिफाई करते हो,
और सब्ट्रैक्शन उस डेफिनेशन पे नहीं उतर रहा नेचुरल नंबर की सेंस में, तो आप सब्ट्रैक्शन को आप बाइनरी ऑपरेटर नहीं कहोगे नेचुरल नंबर के लिए, वैसे तो बाइनरी ऑपरेटर होगा। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप ज्यादातर डिस्कस करोगे एडिशन मल्टीप्लीकेशन, बाकी आप डिस्कस नहीं कर रहे होते। उसकी रीजन ये होती है कि जो सब्ट्रैक्शन है ना वो काइंड ऑफ एडिशन ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हो 2 - 3 तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2 + - 3 बोलोगे किस तरीके से कि 2 के अंदर ऐड करो 3 का इनवर्स, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -3 होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 को मैंने ऐड किया है एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, 3 के एडिटिव इनवर्स में मैंने ऐड किया, तो सब्ट्रैक्शन इज काइंड ऑफ एडिशन। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल डिविजन है 2/4, अब 2/4 को इस तरह भी लिख सकते हो ना 2 × 1/4, और क्या बोलोगे कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से या 4 के रेसिप्रोकल से। तो कहने का मतलब है कि डिवीजन, अनलेस अगर आपको अलग से बोला ना जाए, लेकिन नॉर्मली आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दो ऑपरेटर की ज्यादा बात कर रहे होंगे, तभी आप इस चैप्टर में देखोगे आपको जब भी ऑपरेटर डिस्कस होंगे ना ये दो ऑपरेटर ज्यादातर यूज हो रहे होंगे। तो मैंने पहले रीजन बता दिए कि नॉर्मली आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन ही डिस्कस करते हो। एमसीक्यूज में आपको सब्ट्रैक्शन डिवीजन अलग भी कभी कभी डिस्कस हो जाता है, अभी एग्जांपल्स में भी कभी कभी डिस्कस हो जाएगा, लेकिन जनरली आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन के सेंस में ही बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो मैं देख लूं मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। बाइनरी ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बता दिया है, एडिशन बाइनरी ऑपरेटर है ऑन इंटीजर। अच्छा, एक और एग्जांपल लिखी हुई है, जो इंटीजर है उनमें एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि आप कोई भी दो इंटीजर्स को उठाओ आपस में ऐड करो रिजल्ट में इंटीजर ही आता है, तो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन लिखा हुआ डिवीजन इज नॉट, कोई भी दो इंटीजर को डिवाइड करो रिजल्ट जरूरी नहीं कि आपके पास आ भी सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता। आप -1 उठाओ, आप 5 उठाओ, -1 / 5 -1/5 ये कोई इंटीजर नहीं है। चेक करना एक सेट है बाइनरी ऑपरेटर। अच्छा, इस टाइप का भी आपका सवाल आता है, ये मैंने बुक से ज्यादा एग्जांपल निकाली हुई है। इस टाइप का भी सवाल आपके पास आता है कि आपको अलग से कोई सेट डिफाइन कर देते हैं, मतलब नेचुरल नंबर इनकी बात नहीं करते, फॉर एग्जांपल कोई बेसिक सा सेट आपको दे देते हैं, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और -1, और आपसे बोला जाता है कि बताओ इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन क्या बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं है, ये चेक करो क्या सेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं। इसी बात को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्लोजर के सेंस में कि क्या ये सेट क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन, सेम बात है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, यहां पे आप एक टेबल बनाते हो, इस टेबल को आप कहते हो कंपोजिशन टेबल या मल्टीप्लीकेशन टेबल बोलते हैं सर, हाँ मल्टीप्लीकेशन टेबल या कंपोजिशन टेबल आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। और इसमें होता है कि एक में आप लिखते हो इस तरीके से 1 - 1 और इसी तरह यहां पर भी लिखते हो 1 - 1। अच्छा, और यहाँ पे जो ऑपरेटर आपने डिस्कस करना है वो डाल दो, ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का है तो मैंने मल्टीप्लीकेशन लिख दी। अब आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो किस तरीके से कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 को -1 से करो -1, -1 को 1 से करो -1, -1 को माइनस से करो +1। कहने का मतलब ये है कि ये टेबल जो है ना ये आपको हेल्प करता है सब रिजल्ट निकालने के। सब रिजल्ट का मतलब अगर आपके पास एक सेट है तो आप क्या करोगे, आपने फॉर एग्जांपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, मैनुअल किस तरीके से करोगे आपके जहन में होगा, मतलब आपने सेट के एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करवाना होता है ना, तो अभी एलिमेंट्स गिवन है 1 और -1, आप मैनुअली करोगे 1 को -1 से करोगे, फिर उल्टा भी कर सकते हो ना, -1 को 1 से करोगे, फिर अपने आप से भी आप कर सकते हो 1 को 1 से, -1 को -1 से। तो कहने का मतलब ये जो आप खुद मैनुअली मल्टीप्लाई कर रहे हो ना सेट के एलिमेंट्स को, बेहतर है कि आप टेबल कंसिडर कर लो, टेबल में ये तो काम किया आपने, सही है। ये करने के बाद अब आप देखो जो रिजल्ट है क्या वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई जब आपने दो एलिमेंट को ऑपरेट किया जो रिजल्ट है वो उसी सेट में से आना चाहिए, अगर बाहर से आया तो वो क्लोज नहीं है और वो ऑपरेटर बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इन चारों रिजल्ट को देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये चार रिजल्ट आए ना, अगर आप इनमें ऑब्जर्व करो ये चारों रिजल्ट जो है ये इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट नहीं है यहां पर। इसका मतलब दो लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो कि ये जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, और दूसरी लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है इस सेट का। दोनों तरीके से आप बात कर सकते हो, क्योंकि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब वो जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर है। अच्छा, इसी तरह बुक में एक और एग्जाम्पल थी ये वाली कि सेट किस तरीके से लिखा हुआ था उन्होंने, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दो, लिखा हुआ था 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, और अगेन वही चेक करना था क्या ये मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं, या ये सेट क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये सेट है क्या। अच्छा, कुछ सेट इतने बड़े होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन टेबल नहीं बना सकते, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे बनाओगे, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है
तो कुछ को तो आपको वैसे मैनुअली सोचना पड़ेगा और समझ के करना पड़ेगा जैसे आप नेचुरल नंबर को समझ के कर रहे होते हो। अभी सेट जो है एक इनफिनिट सेट है, क्यों? इंटीजर्स इनफिनिट है तो ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स। इसका मतलब ये कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर n है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर एग्जांपल आप इंटीजर पुट करते जाओ एलिमेंट्स आते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं? जीरो, एक जीरो आता है इंटीजर में, एक होता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, ये भी इंटीजर्स होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर मतलब -1, -2, -3। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो। लेकिन यहां पे डेसिमल्स की बात नहीं हो रही, इंटीजर्स में डेसिमल्स नहीं होते। तो सबसे पहले जीरो आ गया, अच्छा पॉजिटिव नंबर भी तो आएंगे ना, एक सेकेंड। तो सबसे पहले आपने इंटीजर की जगह यहां पे एन की जगह जीरो पुट किया, 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो एक का एलिमेंट इसका 1 आ गया, ठीक है। फिर अगर इंटीजर आप 1 पुट करोगे, 1 भी इंटीजर है ना, 1 पुट करोगे 2 की पावर में तो 2 हो जाएगा, और 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये चलता जाएगा 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, सब चलता जाएगा। अच्छा अगर आप यहां पे नेगेटिव पुट कर दो, फॉर एग्जांपल आप n बिलोंग्स -1 पुट करते हैं, तो 2 की पावर -1 क्या होता है? 1/2, तो 1/2 लिख दो। अच्छा अगर आप -2 पुट करो, 2 की पावर -2, 1/4। ये इंटीजर्स नहीं है, ये ध्यान में रखना भाई, ये मैं इस सेट को लिख रहा हूं, 2 की पावर n जो सेट है ना वो मैं लिख रहा हूं। इंटीजर तो अलग चीज होती है, यहाँ पे जो n है ना वो इंटीजर है। तो जब आप इंटीजर पुट करते जाओ आपके पास आंसर आता जा रहा है। इसी तरह n फॉर एग्जांपल अगर आप -3 पुट करोगे तो 2 की पावर -3 क्या होता है? 1/8, और इस तरह पैटर्न चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये है कि आपने जो t सेट है ना इसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, t सेट में 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप n की जगह इंटीजर पुट करते गए और आपके पास कुछ रिजल्ट आते गए। अब सवाल है कि अब आप इसको चेक करो क्या ये बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, एक सेकेंड, हाँ मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का देख लो तो कोई मसला नहीं है। यहां पे आप कोई भी 2 एलिमेंट को उठाओ, आप 1 और 2 को उठाओ, यहां पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 2 इस सेट के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप 2 और 8 को उठाओ, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करो 16 आएगा, 16 भी सेट के अंदर मौजूद होगा अगर आप आगे पूरा एक्सटेंड करोगे। फॉर एग्जांपल आप 4 उठाओ और 1/8 उठाओ, 4 और 1/8 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आएगा, 1/2 भी सेट के अंदर। आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आप फॉर एग्जांपल 1/8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/64, और 1/64 भी इसके अंदर है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे होगा 1/16, 1/32, 1/64, ठीक है। तो आप ये मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो कि सेट के अंदर आप किसी भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इसी सेट के अंदर मौजूद है। 4 को आप 16 जो आएगा 16 से मल्टीप्लाई करो, 4 16 64 64 भी सेट के अंदर मौजूद है। 16 को 16 से करो, 256 256 भी सेट के अंदर मौजूद है। तो कहने का मतलब ये जो सेट है ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो दैट्स वाई जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहां पे बाइनरी ऑपरेटर है। तो मैं हमें बाइनरी ऑपरेटर की काफी मैंने एग्जाम्पल दे दिए, मजीद लिखी हुई और एक और लिखा हुआ एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ऑड नंबर। अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है, फॉर एग्जांपल ऑड नंबर क्या होते हैं, अभी हम पॉजिटिव ऑड नंबर कंसीडर करते हैं। एक होता है ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स के अंदर आप नेगेटिव भी कंसीडर करते हो, -1, -3 ये सब कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी सिंपलिसिटी के लिए पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर है। किसी भी 2 ऑड नंबर को एड करते हो आपने पढ़ा इवन नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 और 3 को एड करो 4 आ रहा है, 4 इस सेट से बिलोंग ही नहीं कर रहा। जो सेट हमने कंसीडर किया ना वो ऑड नंबर का है ये वाला। आप कोई भी 2 एलिमेंट यहां पे पिक करो, ठीक है, आप उनको ऐड करोगे जेड इवन आएगा, क्योंकि किसी भी 2 ऑड नंबर का जेड इवन होता है, किसी भी 2 इवन का भी ऐड करो तो इवन ही आता है। हाँ अगर इवन और ऑड को ऐड करते हो तब ऑड आता है, ठीक है। तो यहां पे सब ऑड ही है, आप जिसको भी ऐड कर लो, आप 5 और 9 को ऐड करो 14, 14 एक इवन नंबर है जो कि सेट के अंदर नहीं होगा। इसी तरह 5 को 5 में ऐड कर लो 10 आएगा, 10 भी सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सेट जो है ये क्लोज नहीं है। आप इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हो, उनको आपस में ऐड करते हो, रिजल्ट इस सेट के अंदर नहीं आता। तो इसका मतलब एडिशन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेटर इन दिस सेट। और ये भी बोल सकते हो कि ये सेट जो है ये क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। आपको बाकी ऑपरेटर डिस्कस कर लेना, आप यहां पे मल्टीप्लीकेशन डिस्कस कर लेना। आई गेस 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ऑड नंबर ही आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 3 को अगर आप 5 से करोगे 15 आएगा, 5 को 5 से करो 25, वो भी ऑड ही आ रहा है। 7 को 7 से करो 49, ऑड ही आ रहा है।
7 को 9 से करो 63 तो ऑड ही आ रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन किसी भी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ऑड ही आता है। तो मल्टीप्लीकेशन इसमें बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो रिजल्ट उसी सेट के अंदर से आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर है। अच्छा हाँ, कुछ मैट्रिसेस की बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक नोटेशन होती है जिसको आप इस तरीके से लिखते हो एम थ्री के सेंस में। ये M3 क्या होता है? M3 का मतलब होता है, पहली बात, M जो कैपिटल लिखते हो ना वो मैट्रिसेस को शो कर रहे होते हो। अच्छा, इस चैप्टर में आपको डिफरेंट सेट की नोटेशन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर Z लिखा हुआ है तो वो इंटीजर है, W लिखा हुआ है होल नंबर है, N लिखा हुआ है नेचुरल नंबर है। अच्छा, इसी तरह I लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। अगर आप जाओ तो चैप्टर 1 में ना, चैप्टर 1 के दूसरे पेज पे ये सब सेट लिखे हुए भी हैं, जो बेसिक सेट आप पढ़ते हुए आ रहे हो, रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, सब पढ़ते हुए आ रहे हो, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तो उनके सिंबल सारे उन्होंने वहां पे मेंशन किए हैं, तो आप सिंबल लाजमी याद कर लेना। इसी तरह जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है वो एम होता है। अब फॉर एग्जांपल एम थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो मैट्रिसेस में आपको पता है कि दो नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि रॉस कॉलम आप दोनों बताते हो। फॉर एग्जाम्पल 3x4 लिखा हुआ हो, जिसको लिखने में हम 3x4 लिख रहे होते हैं लेकिन बोलने में 3x4 बोलते हो आप, तो उसका मतलब क्या होता है? 3 रॉ 4 कॉलम, ठीक है। लेकिन अगर खाली एक नंबर लिखा हुआ मैट्रिक्स के नीचे, इसका मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर है, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको दो नंबर बताने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आप खाली 3 बोल दो तो आप समझ जाओ 3x3 होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉ कॉलम बराबर होते हैं। तो दैट्स व्हाई स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जस्ट एक नंबर ही बता देते हो, समझ आ जाता है, मतलब समझ आ जाती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या ऑर्डर है इसका? 3, मतलब 3 रॉ 3 कॉलम होंगे इसके अंदर। तो क्या ये जो सेट है, क्या ये क्लोज है अंडर एडिशन या ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन? बिल्कुल है। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर आप एक चीज इम्प्लाइड करते हो कि फॉर एग्जांपल ये तो सेट में तो मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी मैट्रिसेस होती हैं जिसमें ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का सेट आपने कंसीडर किया है, चलो वो बाद में आएगी बात, तब बता दूंगा, अभी बताने की जरूरत नहीं है। एन थ्री पे ही फिलहाल आप रहना। तो अगर आप कोई भी 3x3 के मैट्रिक्स उठाओ, 3x3 के डिफरेंट मैट्रिसेस आप बना सकते हो ना, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स उठाओ और उनको ऐड करो तो रिजल्ट में क्या आएगा? 3x3 की मैट्रिक्स ही आएगी भाई। उसका मतलब एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है 3x3 मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह 2x2 मैट्रिक्स के अंदर भी होगा कि क्योंकि आप किसी भी दो को उठाओ रिजल्ट में 3x3 की मैट्रिक्स ही आएगी। और 3x3 की देखो M3 का मतलब 3x3 की सारी मैट्रिसेस जो है वो इसके अंदर कवर होगी। मतलब 3x3 की जिस किस्म की भी आप मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हो उसके अंदर नल मैट्रिक्स भी आ जाएगी, डायगनल, हर किस्म की मैट्रिक्स 3x3 के अंदर आ जाएगी। तो अगर आप कोई भी 3x3 की दो मैट्रिक्स उठाओगे ऐड करोगे तो रिजल्ट में 3x3 आएगी और वो भी सेट के अंदर मौजूद होगी। इसी तरह कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स दो उठाओगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है और दूसरी का ऑर्डर भी 3x3 है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3x3। अगेन वो भी इसी सेट के अंदर मौजूद होगी। तो कहने का मतलब है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेटर है यहाँ पे। दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि ये जो सेट है मैट्रिसेस का 3x3 का ये क्लोज है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल में काफी बातें मैंने बच्चों बता दी हैं बाइनरी ऑपरेटर और क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड आपको बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि इनमें फर्क क्या होता है, क्या चीजें हैं, ये सब बातें मैंने पढ़ ली। अब मेरे पास वो प्रॉपर्टीज का सेक्शन लिखा हुआ है, मैं बुक में देख लेता हूँ अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात मिल जाए। कंपोजिशन टेबल आपको बता दिया, दो एग्जाम्पल बड़ी मशहूर है, एक सेट एस होता है जिसके अंदर 1 - 1 iota - iota, ये सवाल बुक में मौजूद है, और 1 ω ω² ये भी आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, तो ये मैं एक साथ एक्सरसाइज में ही आप लोगों को करवा दूंगा। प्रॉपर्टीज का सेक्शन आ रहा है, प्रॉपर्टीज पे आ जाओ।